तो चलिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले जीन और जीनोम के बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। ओके, नाउ जीन और जीनोम, जीन के बारे में पहले देखते हैं। जीन, नाउ जीन है क्या चीज? जीन का डेफिनेशन देखिए, जीन का डेफिनेशन है सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग इंफॉर्मेशन और कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मान लीजिए एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ये एक्चुअली एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है और ये प्रोटीन जो है कैरेक्टर का रूप लेता है। ठीक है, सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस और यही आगे जाके कैरेक्टर का फॉर्मेशन करवाया, बॉडी में कैरेक्टर का डेवलपमेंट करवाता है। सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, नाउ ये कैसा होता है? जीन जो होता है पॉली न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का। सो पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है एक्चुअली। नाउ ये एसिडिक इन नेचर होता है, जैसा कि आपको हम बताए हैं कि किसका सेगमेंट है, डीएनए का। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एसिड क्यों? क्योंकि डीएनए में H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट, एक छोटा सेगमेंट को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का मिलकर बना होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जीन जो होता है, मान लीजिए कि क्रोमोसोम्स है, उसके ऊपर ये अरेंज होता है एक के बाद एक, G1, G2, G3, G4। ठीक है, दैट मीन्स जीन्स आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम। जीन्स आर लीनियरली अरेंज्ड, एक के बाद ये अरेंज होते हैं। जीन्स आर लीनियरली अरेंज ऑन द क्रोमोसोम्स। सेकेंड, जीन्स आर नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए G1 एक बार स्टार्ट हुआ, ये G2, ये G3, ये ओवरलैप कर रहा है। ये मान लीजिए डीएनए है, यहां से यहां तक G1 है, फिर यहां से यहां तक G2 हो गया, फिर यहां से यहां तक G3 हो गया, ये ओवरलैपिंग हो गया। अगर लिनियर होता G1, G2, G3, ऐसा नहीं पाया जाता है। जीन्स आर नॉन ओवरलैपिंग एक्सेप्ट कहां पे पाया जाता है ओवरलैपिंग? 5X174 बैक्टेरियोफेज में, वायरस है, बैक्टेरियोफेज वायरस। ठीक है, तो ये आपका जीन्स हुआ। अब जीन्स के बाद यही हमें एक और टॉपिक डिस्कस कर लेना है, जीनोम को। ठीक है, नाउ जीनोम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीनोम क्या है? ठीक है, इसका पहले आप डेफिनेशन देखिए, उसके बाद मैं समझाता हूं। जीनोम इज वन बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम हैविंग इंफॉर्मेशन For development of complete individual, ठीक है? One basic set of chromosome having information for development of complete individual, ये actually है क्या? आप समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये एक फादर है, ये एक मदर है, फीमेल है, ये मेल है। ठीक है, मेल के पास 46 क्रोमोसोम्स होता है, फीमेल के पास भी 46 क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, नाउ इस फीमेल के पास ये 46 क्रोमोसोम्स आया कैसे? 23 इसकी मदर से, 23 इसके फादर से।
यहां पे भी वही इवेंट हुआ होगा, 23 इसके मदर से, 23 इसके फादर से, ठीक है। नाउ मान लीजिए ये फीमेल की बात कर रहे हैं, ये रहा 23, ये 5 है ना, मान लीजिए जस्ट सपोज कर लीजिए पास टोटल क्रोमोसोम कितना है, 10 है, ठीक है। 5 इसके मदर से आया होगा, 5 इसके फादर से आया होगा, ठीक है। ये 5 मदर का, ये 5 फादर का, ये जो यहां से फादर से आया वो एक्चुअली एक जीनोम है, वन बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द आइदर पैरेंट। देखो ये मान लीजिए 23 जो गैमेट से आया, फीमेल गैमेट से और ये मेल गैमेट से, ये मान लीजिए 23 है, ये मान लीजिए 23 को 23 अंग नहीं है मेरे पास, 5 अंग से 23 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये मान लीजिए 23 है, ये मान लीजिए 23 है, तो ये एक जीनोम हुआ, ये एक जीनोम हुआ, ठीक है। ये फीमेल में आके यहां इसका एक पूरा क्रोमोसोम का सेट बना, एक जीनोम मदर से, एक जीनोम फादर से, यहां पे भी हुआ होगा, एक जीनोम इसके मदर से आया, ये 23 क्रोमोसोम, ये 23 क्रोमोसोम, ये इसका फॉर्मेशन हो गया। दैट मींस आप ये कह सकते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन गैमेट कंस्टिट्यूट्स वन जीनोम, करेक्ट है। गैमेट में जितना क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो सबको मिला के हम एक जीनोम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं, अरे ये डेफिनेशन है यार, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिए, ये जो फीमेल है ये मैरिज हुआ, प्रोड्यूस हुआ एक चाइल्ड, यहां से 23 क्रोमोसोम्स आया, यहां से 23 क्रोमोसोम्स आया, एक्चुअली हो क्या रहा है भैया, मान लीजिए ये एक जीनोम है, यहाँ पे स्किन कलर का, यहाँ पे इंटेलिजेंस का, यहाँ पे हाइट का, ठीक है, यहाँ पे नेचर ऑफ हेयर का, और यहाँ पे आपका आई का कलर, ठीक है, इतना सारा कैरेक्टर हो गया। फिर ये मेल से आ रहा, फादर से आ रहा, ठीक है, तो हाइट वाला के साथ पेयरिंग करके रहता है, ठीक है। फिर डिसाइड करते हैं बच्चा कैसा होगा, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, ठीक है। दैट मींस यहां पे भी हाइट का जीन है, यहां पे भी हाइट का जीन है क्रोमोसोम्स पे, वो हो गए आपके होमोलोगस क्रोमोसोम, आगे बताऊंगा होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन ये पूरा जो जीन मदर से आ रहा है 23 क्रोमोसोम, इसके पास पूरा इंफॉर्मेशन है, हर एक कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन है, फादर के पास भी जो 23 क्रोमोसोम्स है उसके पास भी सारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, फादर के पास जो आ रहा है 23 क्रोमोसोम सारा। लेकिन ये दोनों आपस में मिलेंगे, डिप्लॉइड कंडीशन बनाएंगे और डिसाइड करेंगे बच्चा कैसा होगा, समझ में आ रहा है जीनोम का मतलब। वन बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोम। क्या कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन गैमेट फॉर्म्स वन जीनोम, सही है, ठीक है। नाउ दूसरी चीज, एक चीज और मुझे यहां पे प्रूफ करना है, जो जीनोम होता है उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ये आप कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। नाउ एक टर्म है पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग कुछ प्लांट्स में कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन करवा देता है। दैट मींस ये हैप्लोइड था और प्लांट भी कैसा बना, हैप्लोइड, ठीक है, लेकिन प्लांट का फॉर्मेशन हो गया, इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। ये प्रूफ करता है कि एक जीनोम के पास, ये एक है ना भैया, इसके पास इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके पास वन जीनोम। दैट मींस वन जीनोम ने पूरे प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करवा दिया, हैप्लोइड ही सही, लेकिन पूरा प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। तो ये बात प्रूफ करता है व्हाट, डेफिनेशन ऑफ द जीनोम, वन बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट इंडिविजुअल। सर आप एनसीईआरटी रीडिंग क्यों नहीं करवा रहे भैया, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीड करना आपका काम है, मैं यहाँ पे रीडर नहीं हूं, मुझे आपको कंसेप्ट समझाना है, ठीक है। फैक्ट है, सही बात है, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं,
लेकिन भाई साहब कंसेप्ट भी समझना जरूरी है, ठीक है, कंसेप्ट समझना मेन मोटो है। उसके बाद एनसीईआरटी आप खुद रीड कर लेंगे, एनसीईआरटी मुझे रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करें, एनसीईआरटी आप सारा का सारा खुद रीड कर लें, कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि नीट वाले एम्स वाले घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देंगे तो वहां आप फंस जाओगे, ठीक है। तो कंसेप्ट आप समझो, तो आपका हो गया ये क्या पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। नाउ कुछ और टर्म्स हम यहां पर एक्सप्लेन करते हैं, लाइक फिनोटाइप। अब आ गए हम बेसिक कंसेप्ट से जो आपके नोट्स में दिया हुआ है। फेनोटाइप, फेनोटाइप मींस जो बाहर से दिखता हो, जो बाहर से दिखता हो, मॉर्फोलॉजिकल फीचर इज नोन एज व्हाट, जो आप देख सके। मैं आपको टॉल दिख रहा हूं, पूरा आप देख नहीं पा रहा, फिर भी आप मेंशन कर सकते हो मैं टॉल हूं भाई, 5.8 इंच का हूं, ठीक है। तो टॉल आप स्क्रीन पर देख रहे हो व्हाइट, ये क्या हो गया, फेनोटाइप हो गया। लेकिन इसके लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है, जो मेरे सेल के अंदर है, वो आप नहीं देख पा रहे हो, वो एक्चुअली क्या है, जीनोटाइप है। वो क्या है, जीनोटाइप है, ठीक है। दैट मींस मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ प्लांट और एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज व्हाट, फेनोटाइप। नाउ देन व्हाट विल बी द फेनोटिपिक रेशियो, फेनोटिपिक रेशियो मतलब 10 टॉल प्लांट है, 5 ड्वार्फ प्लांट है, दोनों में रेशियो निकलेगा क्या, 2:1, इसको बोलेंगे फेनोटिपिक रेशियो। क्योंकि अब बाहर का चीज आप देख के, ये 10 टॉल प्लांट, 5 ड्वार्फ प्लांट, कैंसिल किया, 5 × 5, 2:1 रेशियो आ गया। दैट मींस रेशियो On the basis of morphology या phenotype, on the basis of phenotype or morphology is known as phenotypic ratio। फिर वहीं पे और टर्म आएगा genotypic ratio। Now genotypic ratio मतलब ratio depending upon the genetic constitution of the organism। Sorry, मेरा आप अब इस टॉलनेस का आप जीन देख रहे हैं, इस टॉलनेस का आप जीन देख रहे हैं, क्या जीन रेस्पॉन्सिबल है, उसके बेसिस पे अगर आप रेशियो निकालेंगे उसको बोलेंगे जेनेटिक रेशियो। मान लीजिए यहां पे टोटल अभी 15 प्लांट लिए थे, उसमें से 5 था कैपिटल टी स्मॉल टी, 5 था कैपिटल टी इतना था स्मॉल टी, तो रेशियो क्या हो गया यहां पे, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो 5:5:5 का कैंसिल किया आपने, देखा रेशियो आ गया 1:1। तो जेनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लांट, रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लांट इज नोन एज व्हाट, जेनोटिपिक रेशियो, ठीक है। चलिए इसको फटाफट रिपीट करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रोटीन बनाया, इससे कैरेक्टर प्रोड्यूस हुआ, कैसा होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर, बोली साथ में फटाफट एसिडिक नेचर हो, क्यों होगा, क्योंकि सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, मेरे साथ बोलिए, डीएनए में क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 होता है, इसीलिए एसिडिक नेचर होता है। जीन्स एक के बाद अरेंज होता है, लिनियरली अरेंज ऑन द क्रोमोसोम, नॉट ओवरलैपिंग इन नेचर, लेकिन कहां पे ओवरलैपिंग होता है, 5x174 बैक्टीरियोफेज वायरस में, पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जाम में आ सकता है। नाउ जीनोम क्या है, वन बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम हैविंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट इंडिविजुअल इज नोन एज व्हाट, जीनोम, एक वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसके कारण पूरे बॉडी का फॉर्मेशन हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, वन बेसिक सेट, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, डिप्लॉइड में हैप्लोइड जो होता है वन जीनोम होता है। मान लीजिए मेरे पास 46 क्रोमोसोम है, जीनोम का नंबर कितना होगा, 23। प्लांट के पास मान लीजिए 10 क्रोमोसोम है, उसका बेसिक सेट कितना होगा, 5। मान लीजिए किसी प्लांट के पास 14 क्रोमोसोम्स है, तो उसका क्या होगा, जीनोम कितना होगा, 7। चलिए
फिर देखा आपने यहाँ पे 23 यहाँ से है, दैट मींस आप बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन गैमेट फॉर्म्स 1 जीनोम, और एक जीनोम के पास पूरा इंफॉर्मेशन होता है एक कंप्लीट इंडिविजुअल फॉर्मेशन के लिए। ये आप कैसे प्रूफ करेंगे? बाय मींस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, अनफर्टिलाइज्ड एग कंप्लीट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करवा दिया, उसको हमने कह दिया क्या पार्थेनोजेनेसिस, ऐसा नेचर पाया गया है। फेनोटाइपिक क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं? फेनोटाइप। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को बोलते हैं जेनेटिक जीनोटाइप। नाउ फेनोटाइपिक रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ बाहर से दिखे हुए कैरेक्टर, फेनोटाइप के बेसिस पे रेशियो अगर आप निकालते हैं तो फेनोटाइपिक रेशियो बोलेंगे। अगर आप जीन के बेसिस पे रेशियो निकालेंगे, माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे उसके जीन को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं।